खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के घर पर इस समय मौजूद है। उनके ऊपर आरोप है कि दंगा भड़काने में उनके जो समर्थक हैं और वो अपने घर पर पर्याप्त मात्रा में जो इंतजाम थे उनके द्वारा किए गए थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ की। ये पेट्रोल पम्प है जो उनके यहाँ पे ये घर में मौजूद है और यहाँ पे पेट्रोल ये जो है बोतलों के अंदर डाल रखा है, जिससे कि जो भीड़ नीचे आएगी उनके ऊपर जो है पेट्रोल पम्प से हमला किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में और कुछ दिखाना चाहेंगे कि उनके घर में उन्होंने जो एसिड के पाउच हैं वो बना के रख रखे हैं, जिससे कि जो यहाँ पे नीचे भीड़ आएगी उसके ऊपर उनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा एसिड के पाउच डाले जाएं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो एसिड के पाउच यहाँ पे बना के रख रखे हैं, क्योंकि अगर भीड़ नीचे की तरफ यहाँ मौजूद होगी, क्योंकि भारी तादाद में जो पत्थरबाजी है वो यहाँ पे की गई थी और जो चांदबाग इलाका है, भजनपुरा इलाका है, वहाँ पे जो आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था उस वो यहाँ पे ये जो ताहिर हुसैन है उसके उनके घर पर रखा गया था। उनके ऊपर आरोप ये भी है कि उन्होंने भारी तादाद में जो पत्थर हैं वो अपने घर पर रखे हुए थे, वहीं एसिड के जो पाउच हैं उनके घर पर रखे हुए थे, जो पेट्रोल बम है वो उनके घर पर रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पहले से दंगा भड़काने में और आगजनी और पत्थरबाजी की घटना को भड़काने में उनके ऊपर आरोप लगाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सड़क का जो मंजर है, जो हालात हैं, किस तरीके की पत्थरबाजी यहाँ पर की गई होगी, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी है। ऐसे में जो ताहिर हुसैन के घर पर जिस तरीके से भारी तादाद में जो पेट्रोल पम्प बरामद हुए हैं, पेट्रोल भारी तादाद में बरामद हुआ है, वही पत्थर जो है भारी तादाद में बरामद हुए हैं और जिस तरीके से एसिड के पाउच उनके घर पे रखे हुए बरामद हुए, कहीं ना कहीं एक संदिग्धता उनकी जरूर पाई जा रही है। अब उनके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे दंगा में वो शामिल हैं और पूरे दंगे में जिस तरीके से उनके घर से चीज़ें बरामद हो रही हैं, क्योंकि आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके का यहाँ पे एसिड के जो पाउच है वो यहाँ पे घर में बरामद है, उनके घर में मौजूद हैं, तो कहीं ना पहले से एक प्लान कर रखा, स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि अगर यहाँ पे दंगा किस तरीके से उनको भड़काना है, यहाँ बाजी की घटनाएं वो कैसे करनी है, क्योंकि जिस तरीके से भारी तादाद में जो उनके घर पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं, कहीं ना कहीं संलिप्तता उनकी जरूर पाई जा रही है और ऐसे में उनके ऊपर तमाम जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे जरूर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दंगा भड़काने में या पत्थरबाजी की घटना को अंजाम देने में उनकी संलिप्तता जरूर होगी। कैमरामैन गोपाल के साथ शिव त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।